जय श्री राधे। कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, कार्तिक का संपूर्ण मास, हालांकि भगवान शिव वो भगवान विष्णु क्षमा चाहता हूँ, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी दोनों का ही पर्व माना जाता है, दोनों का मास है, क्योंकि इसी कार्तिक में दीपावली भी आती है, धनतेरस भी आती है और साथ में अक्षय नवमी भी आती है। और पूर्णिमा, पूर्णिमा चूंकि पूर्ण पर्व माना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु सहित महालक्ष्मी का पूजन करने से आपको कभी दरिद्रता गरीबी आपके कुटुंब में कुल कुटुंब में भी नहीं आएगी, ऐसा इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पूर्णिमा चूंकि रात्रि का पर्व माना जाता है इसलिए रात्रि में भगवान विष्णु का और महालक्ष्मी का यदि आप साथ में पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, पाठ करते हैं, श्री सूक्त का पाठ विशेष महत्व रखता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष महत्व रखता है। रात्रि में यदि आप में सामर्थ्य आप पढ़ सकते हैं तो शुद्ध उच्चारण के साथ इनका पाठ कीजिए, अन्यथा भगवान का भजन कीर्तन करिए, रात्रि भगवान का पूजन और अर्चन करिए। इतना रात्रि भर यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु सहित महालक्ष्मी का की विशेष कृपा मिलेगी, क्योंकि जब भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो वो स्त्री लक्ष्मी कहलाती है और अकेली सिर्फ लक्ष्मी का वास कर पूजन करते हैं तो वो उल्लू के साथ आती है और सीधे घर से फिर पूजन के बाद चली जाती है। इसलिए विष्णु जी के साथ भगवान भगवती महालक्ष्मी का विशेष महत्व बताया गया है और पूर्णिमा का दिन करने से आपको संपूर्ण कार्तिक मास का फल भी प्राप्त होगा। श्री राधे।